सर बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिस्टोरिकल फैसले दिए हैं जिसमें पीएफआई पर हंटर चला है और पीएफआई का कांग्रेस के साथ जो पूरा खेल है वो खुल करके सामने आ गया है। इस पीए जो एक बैन संगठन है और चूंकि पीएफआई को लेकर के एक दीवानगी एक छोटे पैजामा ग्रुप में है, तो आप देखेंगे कि आपने खुद ही साझा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय गडकरी, न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने मंगलवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 3 सदस्यों रजी अहमद खान, उनैस उमर खय्याम पटेल और कयूम अब्दुल शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी। और उसके बाद जजमेंट में जो कुछ भी कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी बड़ी जी दर्शकों को जजमेंट ही आप समझ लीजिए, पहले तो हेडिंग ही में है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीएफआई सदस्यों को नहीं दी जमानत, कहा तीनों ने भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रची, ये कहा है। और आगे लंबी खबर है कि हाई कोर्ट ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीनों सदस्यों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कि तीनों को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया तीनों के खिलाफ सबूत हैं, तो अब इसके बाद कुछ बाकी रह जाता मनीष जी कि ये भारत को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर रहे थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की को कर रहे थे, ये कि ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं, ये इस्लामी राष्ट्र बन जाए, 2047 का इनका एजेंडा चल रहा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया अपनी टिप्पणी में, ये प्रथम दृष्टया इस बात के सबूत है और इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और आगे और भी बहुत कुछ कहा है मनीष जी इनके बारे में, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि ये कैसे खतरनाक लोग थे और भारत को इनको इस्लामिक कांग्रेस राष्ट्र बदलने की साजिश, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जहां 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वहीं दूसरी ओर 2047 में इनका लक्ष्य अपने आप में अनोखा है। यह कि न्यायमूर्ति अजय गडकरी, न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने तीनों आतंकवादियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अव्यक्तियों ने आपराधिक बल का उपयोग करके सरकार को डराने की साजिश रची। और अदालत ने कहा एफआईआर में स्पष्ट है कि तीनों ने अपने संगठन पीएफआई के विजन 2047 के दस्तावेज को न सिर्फ प्रचार किया बल्कि उसे लागू करने का इरादा भी रखते हैं। तीनों आरोपियों को सरकार को डराने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को भी अपने साथ शामिल होने के लिए उकसाया, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि अपीलकर्ताओं ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से ऐसी गतिविधियां की हैं जो राष्ट्र के हित और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। आरोपियों ने नफरत फैलाने और प्रचार के विभिन्न माध्यमों से राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भाग लिया। पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने सोशल मीडिया समूहों पर विजन 2047 शीर्षक से एक दस्तावेज साझा किया। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी साजिश के तहत किए गए भयानक कृत्यों को अंजाम देने की एक साजिश है। अब इसके बाद कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता, लेकिन मनीष जी दर्शक जी जरा समझे समझे कि हम लोग इस फैसले को इतना विस्तृत पढ़ के क्यों सुना रहे हैं, जो अखबार में छपा अपने जो ओरिजिनल जजमेंट होगा उसमें तो बहुत डिटेल होगी कि ये जो पीएफआई है ये कांग्रेस की यार है, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अजीत डोवल को गाली या तो पाकिस्तान देता है या कांग्रेस ही देते हैं, वैसे जरा पीएफआई से रिश्ता समझिए मनीष, ये दूसरा खबर दिखा दीजिए ताकि स्पष्ट कर दूं कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा वो कांग्रेस के दोस्त के लिए कहा, कांग्रेस के साथी के लिए कहा, कांग्रेस के सहयोगी के लिए कहा, कांग्रेस के गठबंधन साझीदार के लिए कहा, और उसका सबूत अभी दिखाता हूं मनीष जी। तो ये पीएफआई नहीं, पीएफआई को तो दुनिया जानती कि वो तो आतंकवादी संगठन है ही, लेकिन कांग्रेस के साथ उसका क्या रिश्ता है जरा ये भी समझिए। जी दक्षिण भारत में जिस एसडीपीआई का साथ कांग्रेस लेती रही है वो एसडीपीआई मूलतः आतंकी संगठन पीएफआई की ही राजनीतिक शाखा है, अतः आज मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि हिंदुत्ववादी शक्तियों के खिलाफ जहर उगलने वाली कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी उन ताकतों के साथ समर्थन और सहयोग से कोई परहेज नहीं है जो भारत को एक इस्लामिक देश बनाना चाहती है। अब मनीष ये खबर दिखा दीजिए, ये पहली खबर है जो आपको बता रही है कि पीएफआई और एसडीपीआई में कोई फर्क नहीं है। डार्क नाइट दैट द व्हाट व्हाई वेयर व्हेन एंड नाउ एंड हाउ अबाउट एसडीपीआई,
और इसमें केवल नीचे वाला मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, नीचे वाली जो अंडरलाइन पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिए कि लॉन्च्ड ऑन जून 21, 2009 इन दिल्ली एचडीपीआई इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द कंट्रोवर्शियल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये बिजनेस बेंगलोर मिरर की है, कर्नाटक के अखबार सबसे बड़ा अखबार है, बेंगलोर मिरर की है खबर है, कंट्रोवर्शियल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया विच सेवरल इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द बीजेपी टर्म एज ए टेरर आउटफिट। तो ये एचडीपीआई पीएफआई का ही एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है, समझिए नाम बदल के पीएफआई ऑपरेट करता है। ये है एचडीपीआई और पीएफआई का रिश्ता। और अब जरा दूसरी खबर मनीष जी, केवल हेडिंग दिखा देंगे तो कि ये कांग्रेस के कैसे संबंध है, ये जरा इन खबरों से देखिए कि एचडीपीआई टू हेल्प कांग्रेस अक्रॉस कर्नाटका, ये 2018 की खबर है मनीष, 2018 के चुनाव में। फिर 5 साल बाद जब 2023 में चुनाव हुआ तब की जरा देखिए कि एचडीपीआई टू सपोर्ट कांग्रेस इन कर्नाटका इलेक्शन 2023। और नीचे वाली है कि एचडीपीआई सपोर्ट पुट्स कांग्रेस इन ए स्पॉट एलडीएफ पीजीएफ एलएच एक्सट्रीमिस्ट, यानी 2024 में केरल में भी समर्थन इनका एचडीपीआई कर रही थी, कर्नाटक में भी कर रही है, कर्नाटक ये भी खबर नहीं है। तो जरा एक बात समझिए कि 2019 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक तरह से कांग्रेस की सहयोगी गठबंधन में थी और 2023 के भी गठबंधन में थी कर्नाटक के चुनाव में। और ये कौन लोग हैं जिनके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल कहा है कि ये देश को इस्लामी राष्ट्र बना देना चाहते हैं। तो जरा कांग्रेस की बेशर्मी और कांग्रेस की बेईमानी देखिए मनीष जी, ये आरएसएस को गाली देते हैं, ये हिंदुत्ववादी बातें करते हैं, हिंदू और ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी कांग्रेसी नेता के मुंह से पीएफआई या एचडीपीआई की आलोचना सुनी? एचडीपीआई के साथ तो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इनका रिश्ता इतना गहरा है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एचडीपीआई ने ऐलान किया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो 100 सीटों पर नहीं लड़ी, बाद में उसने केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसने कहा कि अब हम क्योंकि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को हम जिताना चाहते हैं, तो अब हम अपने सारे प्रत्याशी विड्रॉ करते हैं, अब हम 16 स्थानों पर लड़ेंगे, बाकी 84 स्थान हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, हम वहां पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो उस आतंकवादी संगठन जिसका अभी कल बंबई का हाईकोर्ट कह रहा है कि पीएफआई इस देश को इस्लामी राष्ट्र बना देना चाहता है और जो सबूत है उससे वो आरोप सत्य प्रतीत होते हैं, इसे जमानत नहीं दी गई, पीएफआई को गले लगाती कांग्रेस, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है लेकिन आरएसएस को गाली देती है। तो ये सोच लीजिए कितने हिंदुत्व विरोधी, हिंदुत्व के दुश्मन है ये, कि एक आतंकवादी संगठन जो जिसका अब कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ ये इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता है भारत को, उसके साथ ये रहते हैं। और अभी भी बनी जी अभी केरल में जब वायनाड में चुनाव लड़ रहा था राहुल गांधी, जब इन्होंने एक तरफा समर्थन की घोषणा कर दी एसडीपीआई ने और वो कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट खिलाफत में लड़ रहे थे, तो कम्युनिस्टों ने और भाजपा ने जब इन पे हमला किया कि ये आतंकवादी संगठन तुम्हारा कर रहा है, तो 4 तारीख को इन्होंने औपचारिक खंडन किया कि नहीं नहीं हमें इसका समर्थन नहीं चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं लेंगे। पिछले 10 बरस से उसका समर्थन ले रहे हो और अब बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो जाएगी तो कह रहे हो हम इसका समर्थन नहीं लेंगे, मालूम था कि जाएगा कहाँ, देगा तो हम ही को, एक औपचारिक खंडन इन्होंने कर दिया। अगर इनका इनके रिश्ते ना होते तो बिना मांगे इनको समर्थन देता क्यों केरल में, और उससे पहले कर्नाटक में लगातार क्यों दे रहा था? तो ये है कांग्रेस का असली चेहरा जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से मनीष जी बेनकाब हुआ है, पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। और मुझे लग रहा है कि सच को पूरे देश को समझने की जरूरत है। और बार बार एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, और मनीष जी जरा दोगलापन देखिए कि इस बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं। इतनी बड़ी खबर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, क्योंकि वो कांग्रेस का गठबंधन साथी है, कांग्रेस का गठबंधन। अगर ऐसी ही कोई बात किसी हिंदूवादी संगठन के लिए अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दी होती तो ये सारे न्यूज चैनल के एंकर, एडिटर, फलाने एडिटर, धमाके एडिटर, ये सब लेके ढोलक मंजीरा उसी पर मुजरा कर रहे होते, शाम को 5 बजे से 11 बजे रात तक इन्हीं का मुजरा चल रहा होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी, गठबंधन साथी की पार्टी के लिए कहा कि ये भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देना चाहते हैं, तो सारे न्यूज चैनल के फलाने एडिटर, धमाके एडिटर, फलाने एंकर, धमाके एंकर, ये सब मुर्दों की तरह मौन है, ये बिल्कुल इस खबर पे बात नहीं कर रहे। तो ये सोचिए कि आप कितने भयानक, विषाक्त, जहरीले एक इकोसिस्टम के बीच में रह रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए कई बार ये लगता है कि ये झटका जो अब की बार खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगा है
वो लगना कितना जरूरी था ताकि सच को समझा जा सके, और किस तरह का षड्यंत्र पूरे यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। ये जो वो जो माहौल माहौल देखते घूम रहा था पूरे हिंदुस्तान में, जरा जाके माहौल पूछे ना इंडिगेन से कि ये जो फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसके तुम लोग बड़े यार हो, इस पर क्या कहोगे, इस पर तुम्हारा क्या कहना है, नहीं पूछेंगे। ये कांग्रेस के हर नेता के मुंह में घुसड़ हो भाई कि तुम इसके समर्थन से चुनाव लड़ते थे और ये देश को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। ये बिल्कुल इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया, क्योंकि इनको सीधी सीधी बात है कि इनको पैसा मिलता है मनीष जी और बाहरी ताकतों से मिलता, कि ऐसा कोई काम मत करना जिसमें इन मजहबी गुंडों को कोई नुकसान हो और कांग्रेस को कोई नुकसान हो। तो ये ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे किसी चैनल पर, ना तो पूछा गया कल से लेके आज तक और ना ये आगे पूछेंगे।